आयोजन से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं निजी स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हुड्डा और टाउन प्लानिंग में संशोधन नहीं हुए थे, तो उन्होंने मांग की कि यह संशोधन हुड्डा और टाउन प्लानिंग में भी होने चाहिए। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। इस पे हमारे कई मुद्दे थे और हमने दो मुद्दे तो प्रमुखता से उनके साथ डिस्कस किए। एक जो रूल्स को सरकार ने रिलैक्स किया था उस पे लैंड नॉर्म्स काफ़ी कम कर दिए गए थे, लेकिन हुड्डा और टाउन प्लानिंग में जो है संशोधन नहीं हुए थे। तो हमने ये मांग की कि ये संशोधन हुड्डा और टाउन प्लानिंग में भी किए जाए, ताकि जो स्कूल हुड्डा और टाउन प्लानिंग के रेंज में आते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले, जिसको मंत्री जी ने बिल्कुल माना और कहा कि भी ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हमने कहा था जो एग्जिस्टिंग स्कूलों की लिस्ट है उनको कहा जा रहा है कि आप 2 माह के अंदर जो है अप्लाई करें, अन्यथा आपका जो है दावा एग्जिस्टिंग स्कूलों का ख़त्म हो जाएगा। तो हमने उनको कहा था कि इस समय आर्थिक तंगी से स्कूल गुजर रहे हैं और प्लेज मनी भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फायर की NOC और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो 2 महीने में नहीं हो सकती, और आर्थिक रूप से भी संकट में होने की वजह से स्कूल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो उनको समय उचित समय दिया जाए, जिसको मंत्री जी ने माना और प्लेज मनी की समस्या को भी माना। उन्होंने कहा कि प्लेज मनी भी आपकी अधिक है। तो इन सारी समस्याओं पे मंत्री जी ने कहा कि सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसका निदान किया जाएगा। तो ये अगर प्रॉब्लम का निदान हो जाता है तो इससे स्कूल संचालकों को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और हमने एक और मांग रखी कि आप ने जो है बिजली के बिलों के माफ़ी की भी अनाउंसमेंट की हुई है, लेकिन अभी उसका पत्र जारी नहीं हुआ, तो तुरंत प्रभाव से ये पत्र भी जारी किया जाए। और जो दूसरी और मांगे हैं, बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कूलों की लिस्ट की अन्य जितनी भी मांगे मंत्री जी ने रिकमेंड की हैं, हमने उनसे कहा कि भी उनमें जो है तुरंत कार्रवाई हो, ताकि वो सारे लोग एग्जिस्टिंग स्कूलों के जिनमें नाम नहीं आए वो सभी इसका लाभ ले सकें। तो मंत्री जी की बहुत सकारात्मक आज जो है रवैया रहा और उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई कर प्राइवेट स्कूलों को राहत प्रदान की जाएगी। देखिए, हरियाणा की जो स्थिति कोविड को लेकर बहुत देश में बेहतर है, और जो शिक्षा का लॉस इस समय देखा जा रहा है कि बात ये नहीं है कि भी शिक्षा जो है इतने 16-17 महीने से नहीं चली है। जो वर्ल्ड बैंक या दूसरे यूनेस्को यूनिसेफ ने जो आंकलन किया है, बच्चे पिछली पढ़ाई को भी भूल चुके हैं। तो सुरक्षित तरीकों से स्कूल खोलने का हम स्वागत करते हैं और हरियाणा सरकार का भी इस फैसले का स्वागत करते हैं कि उन्होंने 3-4 का स्कूल खोला, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी जो है वो फाउंडेशनल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर बच्चों की नींव कमज़ोर रहेगी तो उसका असर आने वाले देश के भविष्य पर पड़ सकता है। तो सुरक्षित तरीके से स्कूल को चलाना, उसके लिए जो कदम हरियाणा सरकार ने लिए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। और हम अपनी तरफ से भी हम एक शिक्षा दान उत्सव भी जो है मना रहे हैं, उसमें हम टीचर्स को वैक्सीनेशन की बात भी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से भी सरकार को कहते हैं कि टीचर्स को प्रायोरिटी से वैक्सीनेशन जो है दी जाए, ताकि सुरक्षित शिक्षा चलानी बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग लॉस जो है इसको रोका जा सके और देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।